and welcome back to the French language series today we are going to start with our master class series which is specially curated for grade 10 students to ace in the board exam 2025 now in this series mein kya karne wale hai, we are going to take up one chapter in every single video and we will cover up the topics that the particular chapter poses for example aapka jo syllabus hai wo hai lesson 2 to lesson 8 aaj hum start karne wale hai lesson 2 se jisme topics hai future on terrier aur do letters hai अब letters याद करना बहुत important है क्योंकि ये एक 10 marks की writing skill होती है और ये बहुत easy और scoring होती है आगे पढ़ेंगे डिटेल में कैसे याद करना है कौन सा लेटर बट लेट स्टार्ट विद दिस मास्टर क्लास सीरीज फॉर लेसन टू इन लेसन टू वॉट ऑल यू नीड टू नो एंड ऑल इज टेंस फ्यूचर ऑन नाउ दिस इज अ टेंस विच कम्स इन द फ्यूचर टेंसेज एंड वी ऑलरेडी डन दिस इफ यू वॉच्ड माई वीडियो फॉर टॉम कॉन्वेनाबल हमने स्टार्टिंग में किए थे टेंसेज

फ्यूचर एक्शन फ्यूचर एक्शन क्या मतलब है दो फ्यूचर एक्शन है अब एक एक्शन दूसरा एक्शन होने से पहले ही खत्म हो जाए वो टेंस है फ्यू त्यूर ऑन तेरियर ठीक है फॉर्मेशन क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों क्यू इल एल एंड सो ऑन ठीक है फ्यूथ्यूर कॉन्जुगेशन ऑफ एंड अबू अब ये दो ऑक्जिलरी वर्ब्स होते हैं

पार्टी सी ऑफ द वर्ब मतलब पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब मैंने आपको पास्ट पार्टिसिपल भी बनाना सिखाया था कैसे बनाते हैं अगर नहीं याद तो चलो फिर से डिस्कस करते फॉर एग्जाम्पल लेट्स कैसे बनेगा इसका पास्ट पार्टिसिपल पी ए आर एल ई विथ एक्सेंट मैंने क्या किया आर को रिमूव किया और एक्सेंटेड ई एड कर दिया ठीक है सिमिलरली अगर मुझे आई आर एंडिंग का बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी फिनर ले लो अब फिनीर में मैं क्या करूंगी मैं केवल आर हटा दूंगी तो फिनी बन जाएगा मेरा पास्ट पार्टिसिपल ठीक है और अगर मैं आसोंद्र लू आर एंडिंग के लिए अगर मैं आसोंद्र वर्ब ले लू तो उसमें मैं क्या करूंगी ये होता है इसका पास्ट पार्टिसिपल आर इ को मैंने रिमूव किया और मैंने एक यू इंसर्ट कर दिया ठीक है ऐसे बनाते थे हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स का ओके और लेट्स कम टू एत्र फ्यूचर कॉन्जुगेशन ये रहा फ्यूचर कॉन्जुगेशन ऑफ एथ्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्यू सरा इले सरा नू वूसरे, वो सरे सरों। ठीक है और आवुआर की कौन सी है ज और ए क्यू और आ इल एल और आ नू जोरो वो जोरे इल अब हमें ये याद होना चाहिए हमेशा दैट एत्र हमेशा डॉक्टर मिसेस वॉन्डर वर्ब के साथ आएगा और प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ आएगा डॉक्टर मिसेज वॉन्डर ट्रैम्प वर्ब्स ये हमारे 17 वीआईपी वर्ब्स होते हैं जो हमेशा एत्र लेते हैं एत्र जो है इनका फेवरेट ऑक्सिलरी वर्ब है ये हमेशा एत्र के साथ ही कॉन्जुगेट होता है ठीक है और प्रोनोमिनल वर्ब्स जैसे स कुशे स लावे स प्रोमने स ब्रोसे वर्ब्स विच हैव स जो हम खुद पे करते हैं एक्शन स खुशे स लवे स रवैये एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारे वर्ब्स एतरे लेंगे वो सारे वर्ब्स एतरे लेंगे एंड रिमेनिंग वर्ब्स क्या लेंगे आवुआर डॉक्टर ट्रम्प सेवनटीन वी आई पी वर्ब्स एंड प्रोनोमिनल वर्ब्स एतरे लेंगे और बाकी सारे रिमेनिंग वर्ब्स आवुआर लेंगे क्लियर हुआ ओके इंडिकेटर्स ऑफ दिस टेंस आर कौंद कौंद का मतलब होता है वेन कब लॉर्सक वेन अगेन कब दे क ओसी तो कस सून एज ठीक है आपरे का मतलब होता है आफ्टर समझ में आया इतना क्लियर हुआ ये इंडिकेटर्स थे टेंस के अब तक हमने क्या पढ़ा फ्यूचर ऑन तेरियर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मेशन क्या होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ठीक है और फिर हमने पढ़े हैं उसके इंडिकेटर्स अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया हुआ है अकॉर्डेंस का एक जिस हूँ वो एक्स्ट्रा ई एड करना एक्सेड ई भी एड करना दैट्स अकॉर्ड ठीक है लेट्स मूव फॉर्वर्ड एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं कॉन्द क्यू आर वे अला कौन त्यू आरी व रा आलागार लित्रा सरा सौक्ति अब ये क्या है ये है फ्यूत्यूर सैम्पल और सरा सौक्ति कौन सा टेंस है फ्यूत्यूर ऑनटेरियर ये जो है सरा सौक्ति ये है फ्यूत्यूर ऑनटेरियर मैंने कहा था फ्यूत्यूर ऑनटेरियर बेटा कौन सा टेंस होता है जो एक फ्यूचर एक्शन खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाए। When you will arrive at the station, the train will be out। मतलब जब आप स्टेशन पर पहुँचोगे, ट्रेन जा चुकी होगी। The train will have left even before you will arrive। Okay? So, when you will arrive, arriving is also happening in future। लेकिन ट्रेन का चला जाना before that uh, person is arriving at the station, वो भी चली गई ट्रेन। so it is also a future action. The one future action. action one being completed before another future action. एक्शन स्टेशन पे पहुंचना और ट्रेन का मेरे आने से पहले ही चले जाना is फ्यूचर future anterior. समझ में आया ओके okay. जोरा मॉन्जे क्या मतलब है जोरा मॉन्जे का क्या मतलब है आई विल I आई विल eaten. eaten. मैं खा चुकी होंगी ठीक है किसी और एक्शन होने से पहले मैं खाना खा चुकी होंगी दोनों फ्यूचर एक्शन है बेटा लेकिन एक फ्यूचर एक्शन पहले खत्म हो जा रहा है बिफोर अनादर फ्यूचर एक्शन ठीक है क्यू और आप यू यू विल हैव बीन एबल टू आप ये कर चुके होंगे यू विल यू विल हैव बीन एबल टू बिफोर आई गो टू स्लीप यू विल हैव बीन एबल टू क्लीन द रूम मैं सोने जाऊं उससे पहले आप ये रूम साफ कर चुके होंगे ठीक है समझ में आया कि मेरा सोना is also a future action, लेकिन रूम मेरे सोने से पहले ही साफ हो जाना is another future action जो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया तो वो फ्यूचर ऑन तैरियर होता है समझ में आया ठीक है अब एक हम शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं फ्यूचर ऑन तैरियर का क्विकली ये टेंस है फ्यूचर ऑन तैरियर कॉरेस्पॉन्ड्स टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका फॉर्मेशन हमने क्या पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस एत्र या आवअर की फ्यूचर कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द व ठीक है सिर्फ ये याद रखना है इंडिकेटर्स याद रखने एंड यू आर सॉर्टेड फॉर दिस टेंस ठीक है ऑलराइट सो दिस वाज़ ऑल अबाउट फ्यूचर ऑन देरीय नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ़ दिस वेरी सेम लेक्चर वी आर गोइंग टू डू अबाउट द टू लेटर्स कौन से दो लेटर्स थे Education system of India, education system of France. Those two letters we will in the next part. Mein this was all about future Ontario. I hope it was clear to you. If you have any doubts, please feel free to put them in the comment section down below and we will be there to answer them out. Thanks for watching.